नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज़। एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन वडोदरा में जनवरी में होने वाला है। इस 10वीं इंटरनेशनल मैराथन का अनावरण आज गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की मौजूदगी में करवाया गया और इस मौके पर वडोदरा शहर के अन्य कई पदाधिकारियों की मौजूदगी भी दर्ज की गई। 8 जनवरी 2023 में एमजी वडोदरा इंटरनेशनल मैराथन का आयोजन होने वाला है। दरअसल ये 10वीं इंटरनेशनल मैराथन होगी। ये इंटरनेशनल मैराथन AIMS और AFI सर्टिफाइड रेस है, जिसके तहत देश विदेश में से बड़ी तादाद में दौड़वीर हिस्सा लेने के लिए पहुंचते हैं। वैसे आपको बता दें कि आज एक शानदार समारोह के तहत गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी समेत राज्य मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, मेयर के यू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी समेत के पदाधिकारी मौजूद रहे थे और गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी की ओर से 10वीं मैराथन का अनावरण करवाया गया, जिसके बाद एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर मैराथन को लेकर ज़्यादा जानकारी मुहैया करवाई गई। आज MG वडोदरा मैराथन पावर्ड बाई जॉय ई बाइक 2023 ने लॉन्च अपना आदरणीय खूब उत्साही अने प्रेरणारूपी मिनिस्टर श्री हर्षभाई संघवीना हाथे थयू। आ लॉन्च एटले आपणू हवे रजिस्ट्रेशन खुल्लू थयू अने 23मी जान्युआरीनी 8मीए 2023માં જે આ ફિઝિકલ રન થશે કોવિડના 2 વર્ષ પછી, એના માટેનો એક ખૂબ જ નવો ઉત્સાહ ઊભો થયો છે। જોડે જોડે MG મોટરનું જે MG નર્ચર CSR આમ છે, એ લોકોએ જ્યારે યુક્રેનની વોર પછી જે આપણા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ એક મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સને કોઈ રીતે એન્ગેજ રાખવા એ અપીલ કરી હતી, ત્યારે MG MD શ્રી રાજીવ છાબાએ 100 છોકરાઓ મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સે પાછા આવ્યા છે, એમને હોસ્પિટલોમાં હોસ્પિટલ ઓબ્ઝર્વરશીપ હેઠળ એક 8000 રૂપિયાની દર મહિનાની 2 મહિના માટે ઇન્ટર્નશીપ આપી। આ સ્ટુડન્ટ્સ જે 2 મહિના પૂરા કર્યા એનું જે સર્ટિફિકેટ પ્રેઝન્ટેશન હતું એ બી આપણા આદરણીય શ્રી હર્ષભાઈના હસ્તે થયું, અને જોડે જોડે 10 હોસ્પિટલો જેમાં સ્ટુડન્ટ્સ મુકાયેલા હતા એ લોકોએ જે આગળ આવીને અમને સપોર્ટ કર્યો હતો એમનું બી ફેલિસિટેશન આજે હર્ષભાઈ અને બધા મહેમાનો થકી થયું। ખૂબ આનંદ અને ખૂબ ઉત્સાહનો આ માહોલ છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।